हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल डॉग केनल के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ भाई सुदीप प्रताप हैं और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अजीज यार हैं। हेलो भाई सुदीप। हेलो। और हम लोग की दोस्ती कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हुई। आज से करीबन 1.5 साल पहले इनको एक पपी चाहिए था, उसके रिकॉर्डिंग ये मेरे पास हैं और इन्होंने मुझसे पूछा, सजेशन लिया। मैंने इनको जर्मन शेफर्ड का पपी सजेस्ट किया। आज 1.5 साल हो गया है उस पपी को और आप देख, उसका नाम टाइगर रखा गया है। और शुरू में तो इनको बहुत लोगों ने बोला कि जर्मन शेफर्ड आपने लिया है तो उस हिसाब से नहीं दिख रहा है, पर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली गई और हम आज 1.5 साल हो गया, उसका नाम टाइगर है और वो अपने एरिया में आइडल जर्मन शेफर्ड की रूप में हमारे बीच में आया है। तो भाई, क्या आप हमको टाइगर से मिलवा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल। और सही मायने में फ्रेंड्स, एक आइडल डॉग क्या होता है, आइडल डॉग कैसे होते हैं, ये हम जरूर अपने घर में डॉग्स पालते हैं पर इसका ध्यान रखना चाहिए कि उसे आइडल कैसे बनाए। हमारे बीच में टाइगर आ रहे हैं भैया, टाइगर का थोड़ा सा और हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कैसे हैं। और ये टाइगर है, थोड़ा सा आगे करके फ्रेंड्स, और टाइगर आप देख सकते हैं, ये टाइगर है एक आइडल अपने एरिया में जर्मन शेफर्ड के रूप में काफ़ी अच्छा आइडल रूप से जाना जाता है। और भाई सुधी, और हम जानना चाहेंगे कि आपने इसको ऐसा एक आइडल जर्मन शेफर्ड के रूप में बनाने के लिए क्या क्या मेहनत किया। आप प्लीज़ कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी अपने पपी को ऐसा स्ट्रॉन्ग हैवी बोन का और ऐसा सुंदर आकर्षक बना सके। प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स कुछ बताएं। बिल्कुल। और इसके जब ये मेरे पास आया तो ये बहुत छोटा सा था और मैंने इसको 6 महीने तक मैंने इसको सैडलेक्स दिया है और रॉयल कैनाल खिलाया है, पेडिग्री खिलाया है। और अभी इसकी डाइट है 1 लीटर दूध, 6 अंडा और रात में मटन का 1 किलो मील और 6 रोटी, ये इसकी डाइट है। और मैं शैम्पू, डॉग शैम्पू यूज़ करता हूँ। जो भी दवाई मेडिसिन जो भी सुई लगती है वो डॉग ही मेडिसिन लेता हूँ, कहीं और बाहर से नहीं लेता हूँ। और मैं अपने कुत्ते, और सबसे बड़ी बात है कुत्ते को इस जगह पे जहाँ पे इसका कॉलर होता है, ये जगह आप ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ किडनी या लीक जो होती है वो ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल होते हैं। वहाँ आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कॉलर पे और पूंछ पे। और कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। ज़रूर एक घर में एक कुत्ता ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा लगा भाई सुदीप आपसे ये सब बातें करके, आपसे सब टिप्स जान के। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप हमारे पास से जर्मन शेफर्ड लिए, क्या आपको इसके साथ कितने सेटिस्फाई हैं, कितना सेटिस्फेक्शन है आपको इस जर्मन शेफर्ड के साथ? हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज़ अपने फीलिंग्स को शेयर करें। बहुत, जब मैं भैया ने भी जैसे बताया कि जब टाइगर मेरे पास शुरू में आया तो लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ कहने लगे कि ये बहुत अच्छा कुत्ता नहीं है, ये मिक्स है, ये वो है, तो मैं भी शुरू में निराश हो गया था। लेकिन अभी मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि ये पूरा पक्का जर्मन शेफर्ड है, उसके जो बाल हैं बहुत अच्छे हैं और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और भैया के यहाँ जो भी जर्मन शेफर्ड लेने आता है, भैया मेरे ही घर पर लेके आते हैं दिखाने के लिए कि जर्मन शेफर्ड है। और मैं इसकी सारी केयर बहुत अच्छे से करता हूँ, रोज़ इसको हफ्ते में एक बार नहलाता हूँ और इसको कंघी हर दूसरे दिन पे करता हूँ और ये सब। तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप पप्स लेते हैं, आजकल बहुत विक्रेता हो गए अपने घर से बेचते हैं, कई डॉक्टर्स ऐसे हो गए हैं जो पप्स को बेचते हैं, इस वजह से कई और से लाए हुए पप्स में वो कमियाँ निकालते हैं, वो ऐप्स निकालते हैं। पर फ्रेंड्स, आज ये जर्मन शेफर्ड इतना आइडल इस एरिया में निकला है कि इसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और कहते हैं, पूछते ज़रूर हैं कि आप कई बार ऑफ़र रख के इनको 25,000 बिल्कुल 30,000 तक के ऑफर्स भी दिखवाए हैं कि हमें जर्मन शेफर्ड दे दें और हम पैसा दे रहे हैं जर्मन शेफर्ड हमें दे। पर इनका ये लविंग नेचर है, बहुत अच्छे हैं ये, दिल से इनके पापा दिल से बहुत ही अच्छे हैं और इन लोग सच में अपने डॉग को अपने बच्चे की तरह इनके पिताजी ने परवरिश किया, इन्होंने भी अपने बच्चे की तरह परवरिश किया, बहुत प्यार से किया, बहुत केयर किया। आप भी पब्स ले जाते हैं उसे केयर करिए, उसको प्यार करिए, क्योंकि वो आप ही के घर का सदस्य और हिस्सा बनने वाला होता है, वो भी एक जान है, उसमें भी जान होती है। तो हमारे फ्रेंड्स, प्लीज़ उसकी भी केयर करिए, उसको भी अच्छे से नॉर्मल जैसे हम लोग पालते हैं, बच्चे पालते हैं उसकी तरह उसको पालिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।